लोग सब गड़ी बोलने गांव में गड़ी में पहुंचे आज आप क्या कहेंगे? जो चुनावी जनसभा में गड़ियों में गांव में पहुंचा हूं, इससे पहले सभी ग्रामीणों में युवाओं ने ट्रैक्टर से ढोलवाड़ों से डीजे से मुझे गांव में लेकर आए और फूलमालाओं से पगड़ी पहनने समझ किया। और कहाँ कहाँ आज के दौरे हैं आपके? आज मेरा पहले कसोलमो चली है, आगे फिर आगे मिलनापुर बाद बरसाना काफी गाँव में 15 गाँव प्रस्ताव हुआ है और आखिर में 3 जनसभा में समर्थन किस तरह का मिल रहा है? समर्थन तो आपके सामने है, सभी मेरे बुजुर्ग सभी साथी युवा साथी बड़े उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तीसरी बार आया। कांग्रेस प्रत्याशी किला ढहाने की बात कर रहे हैं बावल के अंदर, किस तरह देखते हैं? किला तो भाजपा का किला ढहाने नहीं, भाजपा का खिलाफ कुछ नहीं होता। भाजपा तो अपने बलबूते बोलती है तो उनके मुंह की बातें अपनी खुद की है, किसका किला ढाएंगे तो 5 तारीख बताएंगे। जिस तरीके से कला बिच्छा आए और उन्होंने संबोधन दिया क्षेत्र की जनता के लिए, तीनों सीटें मांगने अपील की उन्होंने, कि किस तरह देखते हैं? कल अमित शाह जी आए थे जिसमें तीनों विधानसभाओं को संबोधित किया है, उसमें तीनों प्रत्याशी तीनों विधानसभाओं से काफी लोग उत्साहित थे और बड़ी सफल रही। क्या लगता है बावल सीट को लेकर मुकाबले में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कांग्रेस की? देखो विपक्ष का काम सिर्फ बयानबाजी करना होना है, मैंने पहले भी बताया हमारा मुकाबला उनसे है ही नहीं, क्योंकि जनता जनादेश वो मेरे साथ है।